दहिया चुड़ैल ने गांव में कोहराम मचा के रखा था। उसके डर से सबका जीना हराम हो रहा था। वह किसी भी दिशा से आती और गाय भैंस बकरियों के साथ साथ गांव के खासकर छोटे छोटे बच्चियों को उठाकर ले जाती। उसका नाम इसलिए दहिया पड़ा था कि वो जहां से भी गुजरती दहशत फैल जाता। उसका गांव में आना रोज रोज नहीं होता, जिस दिन भी वो आती गांव में मातम हो जाता। बहुत मुश्किल से जगत ने अपनी नन्ही सी बेटी को उस चुड़ैल की नजरों से बचा कर रखा था, लेकिन उसे भी पता था कि एक ना एक दिन उसकी प्यारी नन्ही बेटी उस चुड़ैल की नजरों में आ जाएगी और उस दिन उसकी खैर नहीं। वह गांव में अपनी पत्नी बेटा और नन्ही सी बेटी के साथ रहता था। एक दिन जिसका डर था वही हुआ। चुड़ैल आ धमकी जगत के घर। क्यों रे जगत, तू समझता था तू अपनी बेटी को मुझसे बचा लेगा? अब मैं आ पहुंची। निकाल अपनी बेटी को और कर मेरे हवाले, नहीं तो इसी वक्त सारे गांव को मिट्टी में मिला दूंगी। हे चुड़ैल माता, इस छोटी सी बच्ची को ले जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरी बेटी के बदले तुम मुझे ले चलो। लेकिन चुड़ैल ने एक ना सुनी, नन्ही सी बच्ची को लेकर बाहर आई, फिर ठहाके मारती हुई हवा में ओझल हो गई। बच्ची के छिन जाने से पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वे सब बच्ची के गम में पागल हुए जा रहे थे। जगत का बेटा जय अपनी बहन को इस तरह उठाए ले जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह सदमे से बदहवास था। हमारी बेटी को उस निर्दयी चुड़ैल ने अब तक मार डाला होगा, हम अपनी बेटी के बिना कैसे जिएंगे? जय अपने बिलक बिलक कर रोते पिता को देख रहा था। उसने मन ही मन अपनी बहन की कसम खाई। मुझे माफ करना बहन, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, लेकिन मैं चैन से बैठूंगा नहीं। इसकी कीमत चुड़ैल को चुकानी पड़ेगी। मैं चुड़ैल का खात्मा करके ही रहूंगा। अगले दिन सुबह होने के पहले ही जय अपने घर से निकल पड़ा। मुझे माफ करना बापू और माँ, मैं जा रहा हूँ अपनी बहन का बदला लेने। अब तभी लौटूंगा जब यह बदला पूरा कर सकूंगा। 3 दिनों तक वो चलता रहा। चौथे दिन एक काफी वीरान जगह पर उसे एक मंदिर दिखाई दिया। शाम होने को थी तो उसने वही मंदिर में रुकने की ठानी। मंदिर में कोई नहीं था। मंदिर के अंदर शेरों वाली माता की मूर्ति थी। थकान के मारे कब की उसकी आंखें लग चुकी थी। अचानक उसकी आंखें खुली, उसके कानों में किसी खतरनाक जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी। आवाज पास आते जा रही थी। उसने आंखें खोल कर देखा तो एक बाघ उसके सामने आकर रुका। उससे भी आश्चर्य की बात तो यह थी कि बाघ के पीठ पर एक साधु सवार था। साधु बाघ के पीठ से उतरा। डरो नहीं बेटा, यह बाघ तुम्हें कुछ नहीं करेगा, यह तो मेरे जैसा ही माता का सेवक है। जय ने कुछ बोलने की कोशिश की। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सारा कुछ पता है। पहले आराम करो, काफी भूखे लगते हो, कुछ खा पी लो, फिर आराम से बात करते हैं। साधु ने उसे खाने के लिए भगवान के प्रसाद दिए। इस बीच बाघ सुरक्षा हेतु मंदिर के चारों तरफ घूम रहा था। जय का डर भी धीरे धीरे जाता रहा। देखो बेटा, मुझे मालूम है तुम अपनी बहन को ढूंढने के लिए और उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए घर से निकल पड़े हो, लेकिन चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। वह छोटी छोटी बच्चियों को मारकर जमीन में गाड़ देती है, फिर वहाँ एक फूल का पौधा उग जाता है। ऐसे ही फूल उगाकर चुड़ैल अपने बगीचों को सजाती है। देखो, मैं तो तुम्हारी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह लो हमारा यज्ञ का भस्म। इसी भस्म से तुम चुड़ैल को भी मार सकते हो, फिर चुड़ैल के राख से फूलों को भी फिर से बच्चियां बना सकते हो। लेकिन कैसे इसका उपयोग करोगे यह तुम्हें ही सोचना होगा। यह भस्म ही तुम्हें खींचता हुआ चुड़ैल तक ले जाएगा।
जय ने साधु से भस्म लेकर जेब में रखा। भस्म उसे खींचने लगा। वह उस खिंचाव के दिशा में चल पड़ा और पहुंचा चुड़ैल के किलेनुमा घर पर। उसके चारों ओर बहुत बड़ा फूलों का मैदान था। वह समझ गया कि यह सारे फूल बच्चियां हैं। उसने किले में प्रवेश किया। उसने साधु के दिए भस्म को चुड़ैल के कपड़ों में फैला दिया और खुद छुप गया। रात में चुड़ैल जब वापस आई, उसने जैसे ही नहाकर दूसरा कपड़ा पहना जिसमें भस्म लगे थे, उसके बदन में आग लग गई। वह चीखती चिल्लाती उस आग में झुलस कर राख हो गई। जय दौड़ता हुआ आया और चुड़ैल के राख को सारे फूलों के पौधों पर छिड़क दिया। बस चमत्कार हो गया। सारे पौधे बच्चियों में बदल गए, जिसमें उसकी प्यारी बहन भी थी। अपनी बहन और दूसरे बच्चियों को लेकर वह गांव लौटा। गांव के लोगों ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिए। शिवम नारियल बेचता था। कम आमदनी के कारण वो बहुत गरीब था। एक दिन एक वीरान खंडर के पास एक नारियल पेड़ पर नारियल तोड़ने चढ़ा। पेड़ के ऊपर पहुंचकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पेड़ पर बहुत बड़े बड़े नारियल लगे थे। कितने बड़े बड़े नारियल है! इतने बड़े बड़े नारियल तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। आज तो मैं इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे बनाऊंगा। उसने अपना हसुआ आगे किया। नारियल तोड़ने के लिए एक तेज हवा का झोंका आया, इतनी तेज कि वो पेड़ से गिर ही जाता। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाले रखा। उसने देखा, अरे मूर्ख मानव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल काट रहे हो। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी क्या हालत बना सकती हूँ? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं आप कौन हैं, लेकिन यह पेड़ आपका कैसे हो सकता है? यह तो जंगल में अपने आप ही उगा है। मूर्ख मानव, मैं जहाँ आकर रुकती हूँ वही मेरी जायदाद बन जाती है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं थल चुड़ैल हूँ, नारियल के पेड़ों पर ही मैं रहती हूँ। तुमने आज मेरे घर में घुसने का दुस्साहस किया, आज तो तुम्हारी जान इसी नारियल के पेड़ पर जाएगी। शिवम अब बहुत डर गया। तुम्हें जो भी चीज चाहिए मुझे बताती रहना, मैं तुम्हें वो सारी चीज लेकर देता रहूंगा। लेकिन मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, मैं अब कभी तुम्हारे नारियल को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं एक चुड़ैल हूँ, सिर्फ चुड़ैल नहीं, मैं एक थल चुड़ैल हूँ जो पेड़ और हवा में रहती है। सुनो, हर रोज तुम्हें मुझे एक बकरा लाकर देना पड़ेगा खाने के लिए। जिस दिन नहीं दे पाओगे उस दिन तुम मेरे हाथों मर जाओगे। बोलो, मंजूर है? उसने थल चुड़ैल की बात मान ली। वह रोज अब एक बकरा लेकर नारियल के पेड़ के पास जाता और पेड़ के पास रखाता। शिवम एक गरीब आदमी था। रोज रोज बकरे का इंतजाम करना उसके लिए मुश्किल था। कैसे अपनी जान छुड़ाऊं मैं इस चुड़ैल से? इसके बकरे के लिए मेरा सब कुछ बिक जाएगा। एक दिन जब वो पेड़ के पास बकरा रखने गया तो उसे आसपास चुड़ैल कहीं नहीं दिखी। तभी उसके कानों में फुसफुसाने की आवाज आई। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई दिखा नहीं। उसने सोचा, कौन होगा यहाँ इस चुड़ैल के घर में? यह उसके मन का वहम है। भी उसने देखा एक नारियल कुछ हिल सा रहा था। फिर ध्यान से देखा और सुना तो पता चला कि एक नारियल हिलता हुआ उससे कुछ कह रहा है। अरे शिवम, जरा सुनो हमारी बात, हम सब नारियल यहाँ बहुत कष्ट में हैं। अरे ये कैसा नारियल है? ये तो आदमी की तरह बातें करता है। क्या ये भी चुड़ैल है? नहीं नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। यहाँ जितने भी नारियल है वे भी चुड़ैल नहीं है, और ना ही नारियल है। हम इस पेड़ के सारे नारियल असल में मनुष्य है। चुड़ैल ने हमें अपने झांसे में फंसा कर नारियल बनाकर रखा है। तुम्हें भी वह नारियल बनाकर छोड़ेगी। एक ना एक दिन तुम बकरा नहीं दे पाओगे,
उस दिन चुड़ैल तुम्हें नारियल बनाकर पेड़ से टांग देगी। शिवम का माथा ठनका। मुझे भी इस पर नारियल बनकर टंगना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है चुड़ैल से बचने का। एक रास्ता है लेकिन खतरनाक है, बोलो तुम कर पाओगे? अगर कर पाए तो हम फिर से आदमी बन जाएंगे और तुम्हें भी चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ।